बकरीद स्पेशल कमामी सेवई रेसिपी। बकरीद के त्यौहार में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। वहीं घर की महिलाएं अभी से ही इस दिन के लिए खाने में स्पेशल बनाने की लिस्ट तैयार करने लगी हैं। अगर आप भी बकरीद के मौके पर कुछ मीठा बनाना चाह रहे हैं तो आप इस दिन कमामी सेवई जरूर बनाए। यह बहुत ही क्रीमी और लजीज रेसिपी है। बकरीद के खास मौके पर अपने घर आए मेहमानों को मुंह मीठा करने के लिए कमामी सेवई से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की रेसिपी क्या है। कमामी सेवई बनाने की सामग्री: सेवई 200 ग्राम, चीनी 1 कप, दूध 2 से 3 कप, खोया 200 ग्राम, काजू 10 पीस, बादाम 10 पीस, किशमिश 10 पीस, नारियल का चूरा जरूरत के मुताबिक, मखाने, इलायची पाउडर आधा चम्मच, घी 5 चम्मच। कमामी सेवई बनाने की विधि: कमामी सेवई बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गैस पर चढ़ा दें। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें घी डाल दें। घी गर्म होने के बाद इसमें सेवई डालकर इसे भूनें और गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएं। उसके बाद सेवई को निकालकर एक प्लेट में रख लें। अब पैन में 2 या 3 चम्मच दोबारा घी डालिए। घी गर्म होने पर इसमें बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स को डालकर अच्छी तरह भून लीजिए। अब एक दूसरे पैन में दूध, खोया और इलायची पाउडर को अच्छे से उबाल लीजिए। जब ये अच्छे से उबल जाए और गाढ़ा होने लगे तो इसमें स्वाद अनुसार चीनी मिलाएं। अब इसमें आप भुनी हुई सेवई और नट्स डाल दीजिए। इसमें चम्मच से लगातार चलाते रहें। अब आप इसमें अपने जरूरत के मुताबिक पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। तैयार है आपकी कमामी सेवई। आप इस पर नारियल का पाउडर और ड्राई फ्रूट डालकर सर्व करें।